वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। आज हम सीखेंगे कि अपना जब भी हम किसी कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे तो हमारा फोटो वहां पे शो करेगा। जैसे अभी मैं एक कंप्यूटर के अंदर एक पेन ड्राइव लगाता हूँ, माय कंप्यूटर ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंसर्ट किया तो देखिएगा ये इस तरह से पेन ड्राइव यहाँ पे शो करता है। ये पेन ड्राइव इसने शो किया है मेरा डाटा नाम की पेन ड्राइव, और यहाँ देखिएगा ये एक आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी फोटो आ जाए। जब भी हम किसी भी कंप्यूटर में एक्स वाई जेड फोटो लगाएंगे, लाइक मुझे लगाना है या उसी पेन ड्राइव को से हम किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाना है, तो आपकी फोटो यहाँ पे शो होने लगेगी। इसी को आगे देखते हैं। इसलिए हमारे पास लाइक ये फोटो है, इस फोटो को हम चाहते हैं कि पेन ड्राइव जब भी हम इंसर्ट करें तभी ये फोटो आ जाए। तो देखिएगा इस फोटो को हम सबसे पहले पेंट में लेके जाएंगे। इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करके पेंट में ओपन कर लेंगे। जैसे ये फाइल हमारी पेंट में ओपन हो जाएगी, इसको रिसाइज करेंगे और इसका हम साइज रखेंगे यहाँ पे 128x128। यहाँ पे लिखेंगे हम 128 और देखिएगा यहाँ पे रखेंगे 128 और इसको ओके कर देंगे। नहीं, दोबारा से करते हैं। पिक्सल्स पे देखिएगा मेंटेन अगर करेंगे, 128 मैंने किया था लेकिन 85 में कन्वर्ट हो गया। स्टिक को यहाँ से हटा देंगे तभी हम इसको स्क्वायर में बना पाएंगे 128, और मैंने इसको ओके किया। डन। अब इस फाइल को सेव करेंगे तो देखिएगा सेव एज करेंगे। जब मैंने सेव एज इस फाइल को किया तो देखिएगा इसको जो सेव करेंगे, मैंने ABC नाम इसको दिया है। अभी हम इस फाइल को ए नेम से सेव कर लेते हैं, लाइक ए नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन ए यहाँ पे लिखेंगे और डॉट सॉरी ए नाम से इसको सेव करेंगे। फाइल फॉर्मेट 24 bit बिटमैप रखेंगे, BMP में फाइल हमारी सेव हो जाएगी। और इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये मेरी फाइल देखिएगा। फाइल पर जाएंगे तो फाइल टाइप हमें मिल रहा है BMP, यानी कि इस फाइल को हमें 128x128 में कन्वर्ट करके पेंट की हेल्प से BMP फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। अभी एक फोल्डर बना लेते हैं, इस फोल्डर को कोई भी नेम आप दे सकते हैं, मैंने रजा नेम दे दिया। इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डालेंगे और इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इसके बाद हम एक नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे, अपना स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और टेक्स्ट फाइल ले लेंगे। ये टेक्स्ट फाइल मेरी आ जाती है। इस टेक्स्ट फाइल को डबल क्लिक करके ओपन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो कर लेते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे ऑटो रन, फिर ब्रैकेट से हम क्लोज कर देंगे। देखिएगा जो ब्रैकेट मैंने लगाया है उसी ब्रैकेट को आप यूज करेंगे। इसके बाद आइकन इज इक्वल टू, जो मेरी फाइल थी वो किस नेम से सेव थी, जो अभी हमने पेंट में फाइल बनाई है 28x28 BMP जो फाइल है उसका नेम हमने क्या रखा था, उसका नेम हमने ए दिया था। ये यहाँ लिखना ज़रूरी है .BMP, ये फॉर्मेट इसको दे देंगे। इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो यहाँ से देखिएगा सेव एज करते हैं सेम लोकेशन के ऊपर, इसको करेंगे ऑटो रन .INF, इसका ख्याल रखेंगे ऑटो रन .INF नाम से इसको सेव कर लेंगे। ऑल फाइल चूज कर लेंगे, यहाँ इसको सेव कर देंगे, ये फाइल मेरी सेव हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे टू फाइल्स हमारी हो चुकी हैं, ए एंड ऑटो रन नाम की। ये जो टेक्स्ट की फाइल है आप इसको डिलीट कर सकते हैं, इस फोल्डर को कट करते हैं। यहाँ दोनों देखिएगा इस फोल्डर के अंदर टू फाइल्स हमारी क्रिएट हो गई हैं। अभी हम अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे, अभी देखेंगे माय कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे अभी कोई भी फोटो नहीं आया है।
इस फोल्डर को ओपन करेंगे, जो दोनों फाइल हमने क्रिएट की हैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी पेन ड्राइव में जाके पेस्ट कर देंगे। पेन ड्राइव ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद अपनी पेन ड्राइव को एग्जिट करेंगे अभी पेन ड्राइव को मैंने सेफली अपने सिस्टम से रिमूव कर लिया है। अब मैं दोबारा से पेन ड्राइव को यहाँ पे देखिएगा माय कंप्यूटर पहले ओपन कर लेते हैं। माय कंप्यूटर में देखें तो अभी कोई भी पेन ड्राइव नहीं लगा है, लेकिन उसी सेम पेन ड्राइव को अभी मैं अपने कंप्यूटर में लगा ये कंप्यूटर में मैंने अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया। देखेंगे देखिएगा डाटा नाम की पेन ड्राइव थी हमारी और इस पेन ड्राइव के ऊपर अब हमारा जो आइकन है, हमने जो फोटो लगाने की कोशिश की है वो फोटो हमारी यहाँ पे आई है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको रिपीट करके अगेन एंड अगेन वॉच कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। अगर कहीं पे भी आपका कोई भी इशू रहता है तो आप हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।